एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सोनरिया सो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मामा अर्थ के न्यूली लॉन्च लिप बाम्स टिंटेड लिप बाम्स हैं ये और आई थिंक मामा अर्थ ने ना इसमें टोटल फाइव शेड्स लॉन्च किए हैं बट मैंने फोर ही परचेज किए हैं बिकॉज मुझे ये ना चार शेड अच्छे लग रहे थे इसमें जो शेड मैंने छोड़ दिया है आई I मीन mean, जो लिप बाम मैंने छोड़ दिया है आई थिंक वो टर्मरिक वेरिएंट में है और मैंने उसके फोर शेड पिक किए हैं ये कलर्स मुझे ना अच्छे लग रहे थे और ये अभी न्यूली लॉन्च्ड हैं और फ्रेंड्स मैंने ना इन्हें खुद परचेज़ किया है ये मुझे कोई पी आर रिसीव नहीं हुआ है ममद की तरफ से सो तो मुझे पर्सनली लिप बाम्स बहुत पसंद हैं दैट्स वाई मैंने इन्हें परचेज़ किया है और मैंने देखा कि ये ना टिंटेड लिप बाम्स हैं तो विंटर्स में ना लिप बाम हो और उसमें थोड़ा टिंट हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है बिकॉज़ ना विंटर्स में क्या होता है ज़्यादातर लिपस्टिक्स ना लिप्स को ड्राई करती हैं तो अगर उसमें थोड़ा टिंट होता है ना तो वो डेली में लगाया जाता है ताकि लिपस्टिक्स ना लगानी पड़े सो मुझे तो इस टाइप से लिप बाम्स बहुत पसंद है, जिनमें थोड़ा बहुत टिंट होता है सो चलिए मैं आपके साथ इनके स्वाचेज और इनकी डिटेलिंग इनका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ सो so, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ चाहे वो स्किन केयर हो चाहे वो मेकअप रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डी कर सकते हैं सो फ्रेंड्स छोटा सा सपोर्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सो so चलिए मैं आपके साथ ना इन लिप बाम्स टिंटेड लिप बाम्स का स्वाचेज और शेयर करती हूँ सो सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने टोटल फोर वेरिएंट्स पिक किए हैं सो so जो फर्स्ट है वो है रोज़ टिंट और सेकंड है कोको टिंट देन थर्ड है चेरी टिंटेड और फोर्थ है वाइटमिन सी टिंट सो so फ्रेंड्स uh, ये देखिए यह है रोज टिंट मामा अर्थ का और यह है हंड्रेड परसेंट नैचुरल लिप बाम विद रोज एंड कैस्टर ऑयल और फ्रेंड्स इस पे मेंशन है कि ट्वेल्व आवर्स आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है हंड्रेड परसेंट नेचुरल है मेड सेफ है और ट्वेल्व आवर्स तक आपके लिप्स को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट रखेगा और इसकी क्वांटिटी है ट्वेंटी ग्राम्स यहाँ पर मेंशन है और ना पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है ऑनस्टली मुझे इस टाइप की कलरफुल पैकेजिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं और मामा अर्थ की पैकेजिंग लिटरली uh, बहुत अच्छी होती है बिकॉज ना uh, बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं और इस साइड पे ना आपको मिल जाएगा कि ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं और क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट है और मेड इन इंजिन प्रोडक्ट है ये सो so, ये सब चीज़ें आपको ना यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी देन आप देख सकते हैं बैकअप साइड पे यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखेगा और हल्का टिंट देगा आपके लिप्स को और अगर आपके ड्राई और चैप्ड लिप्स हैं तो भी ये आपके लिप्स को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज रखेगा और यहाँ पर आप इनके इन्ग्रीडियंट्स देख सकते हैं मामा अर्थ की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने इन्ग्रीडियंट्स ना यहाँ पर अच्छे से डिस्क्लोज़ करते हैं कि उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं सो फ्रेंड्स इसमें कैस्टर ऑयल है ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है और आपको इसमें ना आलमंड ऑयल भी मिल जाएगा वाइटमिन ई e भी मिल जाएगा सो so बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं और यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दी गई हैं यूज़ करने की और इसे फिफ्टीन एज से अबव के uh, लोग यूज़ कर सकते हैं सो so, और यहाँ पर आपको टिप्स भी दी गई हैं फॉर सॉफ्ट लिप्स और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेट क्वांटिटी दी गई है जो कि है ट्वेंटी ग्राम्स और इसमें मैन्युफैक्चरिंग दी गई है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और आप इसे ट्वेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक यूज़ कर सकते हैं और इसका प्राइस है टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ फ्रेंड्स और टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ में ये टिंटेड लिप बाम है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसकी पैकेजिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगी और ये चारों वेरियंट्स हैं इसके सो so, मैं आपको वन बाय वन ओपन करके दिखाती हूँ पहले मैं आपको ना इसकी पैकेजिंग ओपन करके दिखाती हूँ ये देखिए ये ना कुछ इस तरीके से ओपन होता है जैसे एक बुक ओपन करते हैं सो so, आपको लिप बाम यहाँ पर मिल जाएगा ये देखिए और पैकेजिंग काफ़ी सुंदर है तो so, फ्रेंड्स मैं सारे लिप बाम्स को अनबॉक्स कर लेती हूँ उसके बाद मैं आपके साथ स्वाच शेयर करती हूँ सर so फ्रेंड्स ये देखिए मैंने चारों लिप बाम बॉक्सेस में से निकाल लिए हैं और आप इनकी पैकेजिंग देख सकते हैं कितनी सुंदर है ये ना बिल्कुल पेंसिल फॉर्म में है जैसे कि आपके लिप क्रियॉन्स होते हैं ना बिल्कुल उसी फॉर्म में है और ना काफ़ी स्मूद फील हो रहा है मतलब जो इसकी आउटर पैकेजिंग है ना उसका सर्फिस बहुत ही स्मूद है और ये मैट फिनिश में है ग्लॉसी नहीं है आउटर पैकेजिंग और जो भी शेड्स आपके पास होंगे ना उनका शेड यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पास कौन सा शेड है सो so, मैंने ना फोर शेड्स पिक किए थे और मुझे ना इसमें से जो मेरे फेवरेट हैं ऑनेस्टली मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं लिप बाम आ, मुझे इसमें से चेरी और कोकोनट एंड वाइटमिन सी ये तीन लिप बाम बहुत पसंद है बिकॉज़ इनका टिंट ना uh, uh, दिखता है लिप्स पे और जो रोज़ है रोज़ वेरिएंट है ये थोड़ा सा ना लाइट है इसका लाइट पिंकिश शेड है जो अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड नहीं है ना तो आपके लिप्स पे ना काफ़ी अच्छा दिखेगा ये बिल्कुल लाइट पिंकिश कलर होता है लिप्स पे और जो बाक़ी ये तीन लिप बाम्स हैं जो कि चेरी है वाइटामिन सी है एंड टिंट है इसके कलर थोड़े से ज़्यादा इंटेंस हैं बट इतने भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेड हो बट एक लिप पे ना एक हल्का टिंट रहता है जो कि बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिप्स थोड़े पिगमेंटेड हैं तो ना मुझे थोड़ा सा डार्क टिंट ही अच्छा लगता है लाइट टिंट मेरे लिप्स पे ना शो नहीं होता सो so, ये भी बहुत अच्छा है नो no डाउट कलर बहुत अच्छा है अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स नहीं है तो डेफिनेटली आप शेड ले सकते हैं बहुत ही नेचुरल शेड है बाकी ये तीनों शेड मेरे फेवरेट हैं सो so, मैं आपको वन बाय वन इनके स्वाचेस दिखाती हूँ सो so, uh, ये देखिए यहाँ पर मामा अर्थ मेंशन है रोज टिंट हंड्रेड परसेंट नेचुरल लिप बाम और बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है वाइट पैकेजिंग है और आप इसे ऐसे ओपन करेंगे तो आपको ना यहाँ पर बिल्कुल क्रियोनी रिट्रैक्टेबल काइंड ऑफ लिप बाम मिल जाएगा ये रिट्रैक्टेबल है सो so ना काफ़ी ईजी हो जाता है इसे अप्लाई करना और आप इजीली अपने बैग में से कैरी कर सकते हैं इवन आप इसे अपनी पॉकेट में भी ले जा सकते हैं सो so, ये काफ़ी अच्छा है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी एक्सपेंसिव है या बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है मिड में है सो so, एक टिंटेड लिप बाम के लिए मुझे प्राइस ठीक ठीक लगा ओके ओके और इसके अंदर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सो so, मैं आपको ना हैंड वॉश दिखाती हूँ और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इनके लिप्स वॉच भी दे पाऊँ अगर मैं लिप्स वाचिज़ करूँगी तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे लिप्स वाचेज़ भी इंक्लूड कर दूँगी सो so, ये ना रोज़ टिंट है जैसे कि आप देख सकते हैं कितना लाइट अ, शेड है सो so, अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स नहीं हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट शेड है और हाइड्रेशन ये बहुत अच्छी देता है लिप्स को मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली uh, ये लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है और कलर भी स्टे रहता है ऐसा नहीं है कलर रिमूव हो जाता है परफेक्ट रहता है और हाइड्रेशन भी रहती है लिप्स में काफ़ी ना थिक फॉर्मूला के साथ है और ये है कोको टिंट और ये ना इस टाइप से देखिए कोको कलर है और मैं इसका भी आपको सोच देती हूँ ये शेड ना थोड़ा सा आपको ना ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड लगेगा ये देखिए कोको टिंट है तो थोड़ा सा कोको टिंट आएगा सो so, ये भी काफ़ी सुंदर है आई होप आप लोग देख पा रहे हो सो so, ये शेड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा uh, मेरे पिगमेंटेड लिप्स है ना तो मेरे ऊपर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा कलर नहीं था बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं था तो ये है कोको टिंट आई होप आप लोगों को ना सही से कलर दिख रहा हो ताकि आप लोग अपने लिए कलर पिक कर पाए देन नेक्स्ट है चेरी टिंट और ये ना मेरा फेवरेट है इस पूरे लिप रेंज में से लिप बाम रेंज में से बिकॉज़ इसका कलर इतना इंटेंस और इतना अच्छा है ना कि मुझे बहुत पसंद है ये मेरा फेवरेट शेड है जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेशन के साथ है दैट्स वाई ये कलर मुझे बहुत पसंद है मैं मोस्टली चेरी शेड ही लगाती हूँ डेली में ये देखिए चेरी टिंट ये शेड है और ये काफ़ी सुंदर है अगर आपके लिप्स मेरी तरह पिगमेंटेड है ना तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला शेड पिक करें आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा ये बहुत ही प्रिटी शेड है डेली के लिए ये शेड परफेक्ट है और अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं बिकॉज़ ये ना एकदम नेचुरल लगता है ऐसा लगता नहीं कि फेक है या फिर आपने कोई ना लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है एज़ वेल well ये आपके लिप्स को काफ़ी देर तक हाइड्रेट रखता है देन लास्ट है वाइटमिन सी टिंट और इसका कलर भी काफ़ी सुंदर है ये भी शेड ना अगर आप कॉलेज गोइंग हैं ऑफिस गोइंग हैं या फिर आप टीनेजर हैं और लिपस्टिक नहीं लगाना चाहती तो डेफिनेटली आप ये शेड ये दोनों शेड और ये पिंक शेड ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली आपके लिए ये शेड्स हैं ये पिंक और वाइटमिन सी एंड टिंट ये शेड बहुत ही सुंदर है बिल्कुल नेचुरल लगते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने ना कोई कलर अप्लाई किया है सो so, डेफिनेटली आप अ, ये वाला शेड भी पिक कर सकते हैं दिस इज़ वाइटामिन सी ये चेरी टिंट है दिस इज़ कोको एंड दिस इज रोज़ सो ये चारों शेड्स हैं जो मैंने पिक किए हैं और वैसे चारों ही लिप टिंट बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं बहुत ही देर तक हाइड्रेट रखते हैं और काफ़ी अच्छा कलर आता है सो so डेफिनेटली आप इसमें से अपना कोई भी फेवरेट शेड पिक कर सकते हैं और उसे अपने डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं और इजीली आप इसे अपने पॉकेट वगैरह में कैरी कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इन लिप बाम्स पे आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा थैंक यू